हेलो एवरीवन। तो आज जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 में ऑर्गेनाइज होने वाला है इंडिया में, उसका जो फुल स्केड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। फाइनल स्केड्यूल आज, जैसा आज जो आप लोगों को पता है कि आज बैठक थी मुंबई में, जिसमें क्या है क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का जो स्केड्यूल है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वो पूरा अनाउंस कर दिया गया है। तो देखिए ये पूरा स्केड्यूल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है 5 अक्टूबर को शुरू होगा और 19 नवंबर तक ये पूरा चलेगा। ठीक है, इसका देखिए ड्राफ्ट स्केड्यूल पहले आ गया था और लगभग उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस हुए भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम बात करें इंडिया के मैचेस की, हम बात कर लेते हैं। देखिए वैसे वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है वो होगा 5 अक्टूबर से, जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, यानी 2019 के फाइनलिस्ट के साथ जो है वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा इस बार 2023 का। 2019 में ये दोनों टीमें ही आपकी जो थी फाइनल्स में थी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जिसमें इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। सुपर ओवर के बाद भी जो क्योंकि सुपर ओवर भी टाई हुआ था, उसके बाद जो बाउंड्रीज काउंट करी गई थी वो इंग्लैंड की ज़्यादा थी, तो इंग्लैंड ने जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया था उसकी वजह से। 8 तारीख को अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला जो मुकाबला होगा, इंडिया का होगा पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, जो कि खेला जाएगा चेन्नई के स्टेडियम में। 8 तारीख के बाद जो ब्लॉकबस्टर कॉन्टेस्ट होगा वो होगा 15 अक्टूबर को इंडिया का सेकेंड मुकाबला, जो कि होगा पाकिस्तान से, जिसका सब वेट भी करेंगे। अहमदाबाद में होगा ये मुकाबला 15 तारीख को। अगर हम बात करें ये भारत का दूसरा मैच रहेगा। इसी के साथ तीसरे मुकाबले की हम बात करें, तीसरा जो मैच है इंडिया खेलेगी अपना, वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी 19 अक्टूबर को 2023 में। 19 अक्टूबर को ये मुकाबला होगा, पुणे स्टेडियम में खेला जाएगा इंडिया का तीसरा मैच। अगर हम बात करें चौथा मुकाबला फिर भारत का संडे को ही होगा। अगर हम बात करें जो संडे को अगला मुकाबला जो होगा वो होगा 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ, धर्मशाला स्टेडियम में इंडिया का जो है अगला मैच कंडक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैच इस पर आए भारत के जो होंगे वो होगा 29 अक्टूबर को। देखिए कहीं मैच नहीं है सीधा 22 से 29 के बीच में, एक पूरा आपका 1 वीक का गैप रहेगा। सीधा 22 से 29 नेक्स्ट संडे को मुकाबला होगा, वो खेला जाएगा इंग्लैंड से, लखनऊ स्टेडियम में मुकाबला होगा। और देखिए लखनऊ के स्टेडियम से तो मेरे को वही मैच अभी याद आ जाता है, लखनऊ आरसीबी का जो हुआ था रिसेंटली में आईपीएल में, है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, 2 नवंबर को अगला मुकाबला इंडिया खेलेगी, इसमें ज़्यादा गैप नहीं रहेगा जो क्वालिफाइड 2 की टीम रहेगी उससे। फिर 5 नवंबर को इंडिया का नेक्स्ट मुकाबला होगा, वो होगा साउथ अफ्रीका द प्रोटियास से, जो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। और लास्ट 11 नवंबर को इंडिया खेलेगी क्वालिफायर 1 टीम से, जो कि खेला जाएगा बेंगलोर के अंदर। अब इसके बाद सेमीफाइनल्स फाइनल्स की बात कर ले, 15 नवंबर को पहला सेमीफाइनल मुंबई में, सेकेंड होगा आपका कोलकाता में 16 नवंबर को, और फाइनल खेला जाएगा 19 नवंबर संडे को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। तो यह है पूरा क्रिकेट वर्ल्ड कप का स्केड्यूल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और आप सब बताइएगा किस मैच के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।